10 मारेंगे पर तू एक मारेगा, उस एक में 10 का वजन होगा। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोरा क्लासेस। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एसेज की इंपॉर्टेंस के बारे में। कौन सा एसे कितना इंपॉर्टेंट है सर, हम कुछ कैटेगरीज बना के चलेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वो कवर करने हैं। डिस्क्लेमर ये है मित्रों के, भाई आप लोगों की मर्जी है, आप इस वीडियो को देखें ना देखें। अगर देखें तो सर अपने ही रिस्क पे सर सारी चीज़ें परफॉर्म करें। भाई मेरा काम है सर, मैं अपनी प्रोफेशनल जजमेंट लगा के आपको बता सकता हूँ कि मटेरियल एसेज कौन से हैं। मटेरियलिटी तो आई होप आप समझते होंगे, आपसे ही बात कर रहा हूँ, आँखों में आँखें डाल के देखो और बताओ समझते हो कि नहीं, या इमटीरियल चीज़ों पे भी काम करते हो। एनीवेज, तो सर मैं ज़रा मटेरियल आइटम्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेज हैं, राइट। तो तीन कैटेगरी बनाएंगे, ए बी सी। ए मतलब सर आएगा आएगा आएगा, बी क्वेश्चन बेस्ड आएगा, सी भाई कर सको तो कर लो, राइट। अच्छा जी, तो अब हम सर शुरू करते हैं, आइए। और ये बहुत डिमांड में है सर, ये जो चीज़ें हैं इसलिए सर मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ। डिस्क्लेमर बिल्कुल याद रखें सर, मेरा भाई कोई इसमें पर्सनल फ़ायदा या पर्सनल नुकसान नहीं है, और मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग सर इस लास्ट मोमेंट पे अच्छे से पढ़ाई कर लें। तो गाइज, स्टार्टिंग फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एसे, राइट। सबसे पहले सर एसे 200, 210, 230, 240, 250, 260, 265, 299, ये ए कैटेगरी है। इसमें सिर्फ एक 220 है जो बी कैटेगरी है। जब मैं बोलता हूँ ए कैटेगरी है मतलब आएगा आएगा आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, अच्छे से पढ़ के जाना है, एक भी चीज़ इसके अंदर मिस नहीं करनी है, राइट। अच्छा चलो, इसमें से 250 भी हटा देता हूँ, बोझ हल्का कर देता हूँ तुम्हारा, ठीक है। लीजिए सर, सो ये 200 की सीरीज़ में सिर्फ दो हैं जो बी कैटेगरी रखे मैंने, बाकी सबको सर ए कैटेगरी रखा है। बी कैटेगरी एसेज कैसे कवर करेंगे भाई साहब, अगर आपको इसका क्वेश्चन दिख जाए बस उसे कवर कर जाओ। बेस पता होना चाहिए एसे का क्या है, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हैं, दैट्स इट। भारत माता की जाए, आप भी सुन लो भाई, आप भी सुन लो 100%। चलो आओ, देन इसके बाद 300 को भी सर मैं बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, इसके लिए मुझे बहुत क्रिटिसिज्म मिलने वाला है मुझे पता है, बट बी कैटेगरी का मतलब ना भूलें, क्वेश्चंस कर जाओ, राइट। 315 ए कैटेगरी सर, 320 ए कैटेगरी सर, और उसके बाद 330 भी एक्चुअली मैं बी कैटेगरी में डालना चाहता हूँ, सिर्फ क्वेश्चन बेस पढ़ जाओ। इस एसे में ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने वाली चीज़ें नहीं है, समझने वाली चीज़ें बहुत है 315 के साथ। 402 मैं भाई सी कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, सी कैटेगरी का मतलब है अपने रिस्क पे छोड़ना, छोड़ोगे तो, राइट। मेरे हिसाब से सर ये नहीं आना चाहिए, आ गया तो आप मुझे नहीं बोलोगे भाई ये कसम खा के जाओ, डिस्क्लेमर यही है, ओके। 450 सर ए कैटेगरी वेरी इंपॉर्टेंट, 500 तो सारे भाई ए कैटेगरी भरे पड़े हैं, सारे के सारे ए कैटेगरी नहीं, इसमें मैं 510 को बी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, ब्लू जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ सर वो बी कैटेगरी है। अच्छा जी, उसके बाद आपका पहले बी वाले मार्क कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा आसान रहे, 540 को आप बी कैटेगरी में रख सकते हैं। उसके बाद गाइज आप लोग सारे आपके ए कैटेगरीज हैं, सारे के सारे आपके ए कैटेगरीज हैं। 710 को मैं सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, सी का मतलब आपको पता है ना सर, अपने रिस्क पे आप छोड़ के जा सकते हैं, अपने रिस्क पे, बार बार यही बोलूँगा। 4 नंबर का क्वेश्चन आ गया तो मुझे मत बोलिएगा सर आ गया, मैं तो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना सिखा रहा हूँ भाई। तो देखो ये मेरी जजमेंट है, प्रोफेशनल जजमेंट, 710, 720, 402 और आपके ये चार एसेज हैं सर जो मैं सी कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, राइट। 402, 710 और 720, ये तीन हो गए, और कोई मुझे ऐसा लगता नहीं, बाकी सब या तो ए में आएंगे या तो बी में आएंगे, राइट। 706 को मैं रखूँगा सर आपके लिए, 701 को मैं रखूँगा आपके लिए ए कैटेगरी में, 705 को भी रखूँगा ए कैटेगरी में, 700 को मैं रख सकता हूँ सर ए कैटेगरी में, और 706 को भी सर ए कैटेगरी, बाकी सबको लगभग ए कैटेगरी मिलने वाली है। 600, 610, 620 ये सर बी कैटेगरी हैं, क्वेश्चन बेस्ड करके जाएं, क्वेश्चन बेस्ड करके जाएं, फिर से सुन लीजिए, 600, 610, 620 सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बेस्ड करके जाएं, राइट। उसके बाद सर जितने बचे हमारे सारे के सारे ये भी ए कैटेगरी हैं, ये दोनों तो सर सुपर ए कैटेगरी हैं, खास करके 530। लीजिए, बस इतनी सी बात मुझे आपको बतानी थी, कोई ऐसे अगर आप छोड़ सकते हैं अपने रिस्क पे, बार बार बोल रहा हूँ, मेरे पास मत आइएगा कि सर क्वेश्चन आ गया, मैं भाई अपना रिस्क कम करना चाहता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है। और बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप किसी तरह का प्रेशर फील कर रहे हैं तो पहले ए कैटेगरी निपटा लीजिए, उसके बाद बी कैटेगरीज के एसेज को आप क्वेश्चन बेस्ड पढ़ लीजिए, राइट। और सी कैटेगरी वाले को अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपने रिस्क पे आप छोड़ के जा सकते हैं, ओके गाइज।
बस सर यही है सर ऐसे. और जो 100% वाले टीचर्स हैं भाई, उनसे पूछ लेना आपके सारे गाइडेंस नोट उन्होंने पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए हैं. नहीं पढ़ाए हैं तो उन्होंने आपको 100% सिलेबस नहीं कराया है. उनसे पूछ लेना सर ये स्टेटमेंट वगैरह आपको पढ़ाई है कि नहीं पढ़ाई है. कंपनी से 1956 वाली सर दे रखी है ना, तो अगर नहीं पढ़ाएं तो भाई आपको 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया है. राइट. एनीवेज ये ज़रूर पूछेगा आप गाइडेंस नोट आपने कवर करें या नहीं करें सारे के सारे. नहीं करें तो भाई 100% सिलेबस नहीं है लीजिए. तो बस सर यही है चीज़ें. इसके अलावा कोई और ऐसे आपको मिले सर मेरी तरफ से, वो परमानेंट सी कैटेगरी में जितने ऐसे मैंने डिस्कस कर लिए यही हैं सर. राइट. एक बात गाइज यहाँ पे आपको एक बोनस दे रहा हूँ. एक AASB करके एक टॉपिक है. AASB मैंने उसका नाम रखा हुआ है बेसिकली कि स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कैसे बनते हैं, स्टैंडर्ड्स और गाइडेंस नोट मैंडेटरी होते हैं या ऑप्शनल होते हैं. ये पूरा चैप्टर फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए अवेलेबल है. फ्री ऑफ कॉस्ट, आपने सही सुना, कहाँ पे? EDU 91 ऐप के ऊपर सर अवेलेबल है. आप जाके डाउनलोड कीजिए और देखना शुरू कर दीजिए. राइट. वहीं पे एक और खास बात सर, कल टुमारो इज द लास्ट डे वो जो आपको ऑडिट के MCQs मिल रहे हैं. 200 से 250 MCQs हमने डाले हैं, लगभग 100 के आसपास हम लोग अपलोड कर चुके हैं और भी अपलोड कर रहे हैं विद एक्सप्लेनेशन. तो बच्चों का फीडबैक बहुत ज़बरदस्त आ रहा है. कल लास्ट डे है उसके 99 की प्राइसिंग का. कल के बाद सर वो हो जाएंगे 149 के. तो कल आपके पास आखिरी दिन है कि सर आप उसे 99 की प्राइसिंग पे बाय कर सकते हैं. राइट गाइज. सो दिस वॉज द अपडेट एंड आई होप सर आपको सारी चीज़ें समझ आई. अगर सर आपको समझ आई तो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बताइएगा. ऑडिट की लिस्ट 1 और लिस्ट 2 सर मैं जारी कर चुका हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की. आई होप आपने देख लिया होगा. इंटरनल कंट्रोल पूरा पढ़ना है, उसके बाद कंपनी ऑडिट पूरा पढ़ना है. और ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये दोनों कोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है, ओल्ड और न्यू दोनों के लिए. ठीक है. तो इंटरनल कंट्रोल पूरा वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे और साथ ही साथ में आप कंपनी ऑडिट भी पूरा पढ़ेंगे बिना कुछ स्किप किए हुए. राइट. जितने भी सेक्शंस हैं सारे कंप्लीट करने, क्योंकि बहुत कम सेक्शंस हैं उसके अंदर. लीजिए सर. तो इस तरीके से हमारा काफ़ी मेजर ऑडिट कंप्लीट हो गया. मैं आपको बैंक ऑडिट जो सिर्फ न्यू कोर्स के लिए एप्लीकेबल है और ऑडिट इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा. और उसके बाद सर हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला सफर जो है वो खत्म हो जाएगा. राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड. जय हिंद. और हाँ, सीखते रहें क्योंकि मित्रों सीखना बंद तो जीतना बंद. बाय बाय. टेक केयर. लव यू.